तो भाई ये है कार्यक्रम। तो ये है मल्हार देव का मंदिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक नए व्लॉग में सबका स्वागत है। नए सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच, और वेलकम है इस नए फैमिली में। आज जो है 8:15 बज चुकी है। क्यों? क्योंकि एक बार मैं इंस्टीट्यूट जा करके वापस आ चुका हूँ, एक लेक्चर लग रहा है और दूसरा अब मेरा है। जल्दी से पहुँचते हैं इंस्टीट्यूट। ये देखो सुबह सुबह ये बच्चा जग गया है ना। हाय कर दो सबको। हाय। इतनी जल्दी क्यों जग जाता है चीजू बच्चा? भाई सुबह का नाश्ता चल रहा है, पराठे खा रहा हूँ और विजय सर लेक्चर ले रहे हैं थोड़ी देर में। जैसे ही उनका लेक्चर खत्म होगा मेरा लेक्चर चालू। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा एडवर्टाइजमेंट होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, मैंने लिया है कुछ एक वीक के लिए, जो कि पूरे शहर में चलेगा। ये देख सकते हो फ्लैग्स पीछे की तरफ भी, एक ये वाला फ्लैग्स है, दो एक जैसे फ्लैग्स मैंने बनवाए हैं, और एक इस तरफ है जो कि हमारे रिजल्ट का है। तो भाई बहुत बढ़िया, MP कॉन्स्टेबल में 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे यहाँ से। और लाइव स्टूडेंट यानी कि जो रेगुलर अभी पढ़ ही रहे थे उन बच्चों का, ये देख सकते हो बीच में लिखा हुआ है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं और विजय सर अब जा रहे हैं एक छोटे से फंक्शन में। हमारे एक प्यारे से स्टूडेंट हैं जिनका नाम है नीलेश। तो बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम उनके घर पे होने वाला है, तो जल्दी से चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो भाई पब्लिक, मैं बताता हूँ आपको कि अब पब्लिक क्या होती है। तो भाई ये है कार्यक्रम, शानदार जानदार जिंदाबाद। क्या है कार्यक्रम अभी बताता हूँ आपको। तो ये है मल्हार देव का मंदिर और विजय सर आए हैं दर्शन करने और मैं दर्शन करते हैं। बड़ा सुंदर मंदिर है हमारे शहर का, बहुत शानदार कार्यक्रम होता है। तो भाई ये है नीलेश हमारे स्टूडेंट, और ये देखो पीले पीले हो गए एकदम है। ये हल्दी लगाते हैं इस तरीके से पूरे कार्यक्रम में। बढ़िया रहा कार्यक्रम नीलेश, बढ़िया। तो भाई ये मंडली बैठी हुई है सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए, बड़ा मजा आ रहा है और ठंड भी भारी है। और अभी थोड़ी देर बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे हम सभी के सभी। थैंक यू नीलेश बुलाने के लिए दूसरे साल, ये मैं दूसरे साल आया हूँ यहाँ पे और भीड़ देख ली होगी क्या खतरनाक है। अच्छा यार ये नीलेश यार, ये कार्यक्रम के बारे में तो लोगों को बता दो। क्या बोला ये नीलेश, कार्यक्रम के बारे में बताओ यार लोगों को। ये कार्यक्रम मतलब हमारा कुल देवता है जो इनका जन्मदिन होता है चंपाष्टमी के दिन के रूप में मनाया जाता है, और हर साल उनके जन्मदिन के अवसर पर ऐसा बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है। मल्हार, जय मल्हार, जय मल्हार कहते हैं, जय मल्हार कहते हैं। बहुत शानदार जो है ना कार्यक्रम होता है। हजार लोग आते हैं पूरी, उसमें वो यात्रा निकलता निकलता है, बहुत शानदार कार्यक्रम होता है। और विशेष कुछ कितने साल से हो रही है? 7 साल से हो रहा है। तो हमारे खंडवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, गुरु पूर्णिमा होती है और एक फिर ये मल्हार जय मल्हार आयोजन होता है। सबको जय मल्हार, जय मल्हार, जय मल्हार, इधर भी जय मल्हार, जय मल्हार। हाँ अरे देगा नहीं जाता तुम, अब जय मल्हार।
मंगलवार सभी को। ये हमारा जो उत्सव मनाया जाता है हमारे कुल देवता का चंपा षष्ठी उत्सव, ये इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है हमारे कुल देवता का। और यहाँ इसका प्रमुख मंदिर पुणे के जेजुरी में है। और इस दिन मतलब इनका नैवेद्य होता है बाजरे की रोटी, तो उसको हम भाकर बोलते हैं, और बैंगन का भरता। तो ये इस प्रसाद का सभी आनंद लेते हैं, और साल में चंपा षष्ठी के दिन ये उत्सव मनाया जाता है। बहुत सही। विजय सर कैसा? मजेदार। आयोजन कैसा लग रहा है? शानदार, मजा आ रहा है। पब्लिक और जो माहौल देखकर, और हर जगह हल्दी हल्दी और बिल्कुल मजेदार। हल्दी क्यों लगाते भाई? हल्दी हल्दी सन का मतलब चलती है इनको, हल्दी हल्दी चलती है। हाँ, और ये शंकर जी का अवतार है ऐसा बोलते क्या? हाँ, अरे वहाँ मंदिर पूरा हल्दी से देखा से भरा रहता है। हल्दी मतलब इसे हल्दी से जैसे भरा रहता है, तो उसको मतलब फिर बोलते हैं सोने की जेजुरी, मतलब सोने की जेजुरी, सोने की। तो भाई अच्छी जानकारी लगी है तो कमेंट करना, और जय मल्हार तो सभी के सभी लिखना, जय मल्हार। तो भाई अब हम जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से कोई बुलाता है तो। ऐसे कार्यक्रम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पहले से ही इतनी व्यस्तता रहती है कि कभी कभी जा नहीं पाता हूँ कहीं कहीं। क्या बोल रहे हो? सब वीआईपी एंट्री है, वीआईपी एंट्री मिल रही है हमको। इस तरीके से ये अनोखी बात है। तो ये भाई हम लोगों को जो है, भाई लाइट मारो इधर यार हमारे चेहरे पे। तो भाई ये आलम है देख सकते हो, और क्या बात है, वो देखो वहाँ तक भीड़ी भीड़ दिखाई देगी, और ये यहाँ पर प्रसादी बन रही है, बहुत शानदार। भाई प्रसादी के लिए बैठ गए हैं अब हम लोग, और इधर भी निलेश और सचिन ये साथ में बैठे हैं बढ़िया तरीके से, और भोजन इस तरीके से जमीन पर बैठ के होता है, बड़ा मज़ा आता है। अभी प्रसादी आएगा तो आपको दिखाएंगे। नमस्कार मित्यू, आप मनोहर कुलदीप सर को मिस कर रहे भाई, मिस यू ऑल। आप लोग होते तो और मज़ा आता, और अगली बार के कार्यक्रम साधन मिल जाएंगे। नीलेश के पापा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आयोजन में आ करके, प्रसाद ग्रहण हो गया है, और अब जो है हम वापस निकल रहे हैं घर की तरफ। फिर से धन्यवाद अंकल जी। तो भाई गुड नाइट करते हैं विजय सर को, और लगभग 10:30 बज गई है कार्यक्रम से आते आते, और अभी तो काम बहुत सारे बाकी है, हालत देख सकते हो। 12 बज गई है 10:30 बजे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भाई मेरी बच्चियों के साथ में मिलने का मौका मिल रहा है मुझे दिन में एक बार, मेरी प्यारी शीजू से, मेरी प्यारी शिवू बच्ची से मैं अभी मिला हूँ। कैसा लग रहा है शिवू? हाय कर दो, हाय कर दो। हाँ बेटा, हाँ हाय, शीजा भी हाय कर रही सबको, वेरी गुड। हाँ हालत देख सकते हो, ए टोपा लगा लो ना तो फिर बाल बिखर ही जाते हैं, इसीलिए सर्दी भी हो गई है। तो भाई ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और शेयर तो सभी करना। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।